भारत के साथ लगातार नेपाल के बिगड़ते रिश्तों को लेकर हर कोई चिंतित है। भारत का नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है। भूकंप जैसी आपदाओं में भी भारत हमेशा नेपाल के लिए बड़े भाई के रूप में खड़ा रहा है। चीन के चाल में फंसा नेपाल कहीं तिब्बत जैसा ही ना हो जाए, ऐसे में बलिया के बच्चों ने गीत के जरिए नेपाल को संदेश देने की कोशिश की है कि भारत बड़े भाई के रूप में हमेशा नेपाल की मदद के लिए खड़ा रहा है, जबकि चीन धूर्त और बेईमान देश है। आज हम यहाँ इस गीत के माध्यम से अपना रिश्ता नेपाल के साथ बता रहे हैं। नेपाल हमारा छोटा भाई है। जिस प्रकार चीन ने तिब्बत को तबाह किया है, उसी प्रकार वह नेपाल को बहलावे में लाना चाह रहा है। नेपाल हमारा छोटा भाई है और वो बहक रहा है। नेपाल को ये समझना चाहिए कि हमारे और उसके रिश्ते कितने अच्छे हैं। हमारे त्यौहार एक जैसे होते हैं और भारत उसकी बहुत सहायता करता है। नेपाल को चीन के बहकावे में नहीं आना चाहिए और उसे अपने आप को बचा लेना चाहिए। तो ये इस गीत के माध्यम से क्या आपको लगता है कि नेपाल जैसा देश जहां भूकंप की आपदा है या किसी तरीके की आपदा आती है, भारत उसकी सहायता करता है, बावजूद इसके अगर वो भूलने की कोशिश कर रहा है, उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या नेपाल बर्बादी की कगार पर जाना चाहता है? जी वो जा रहा है, पर हम एक बड़े भाई की तरह उसे बचा सकते हैं। मेरा नाम आकर्षिका पाठक है। इस गीत के माध्यम से हम नेपाल को समझाना चाहते हैं कि जितनी छोटी मैं हूँ उतना ही छोटा नेपाल भी है। भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो चीन का साथ देगा तो चीन उसको खा जाएगा। तो आप चीन के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं चीन के लिए नेपाल से ये कहना चाहती हूँ कि चीन नहीं चंट है, ये धूर्त है शैतान। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।